नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सपोर्ट इंपोर्ट मेक इन इंडिया कैंपेन। और आज के सेशन में हम समझेंगे फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की हाईलाइट, जिसके अंदर गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए कई नए कदम उठाए। तो आज का जो टॉपिक है वो स्टेप टू बूस्ट मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो कि एक्सपोर्ट के लिए की जाती हो उसको बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या स्टेप लिए हैं। ठीक है, तो हम देख लेते हैं सेशन को एज पर स्क्रीन। प्राइम मिनिस्टर मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क स्कीम हैज बीन एडेड एन एडिशनल स्कीम। ठीक है, जो स्कीम थी ये पीएम मित्रा करके इसको बोलते हैं, इसको जिसका फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल एंड अपैरल पार्क। ओके, तो इस स्कीम में एक नई एडिशनल स्कीम एड कर दी गई है। तो स्कीम हैज बीन एडेड इन एज एन एडिशनल स्कीम एलिजिबल टू क्लेम बेनिफिट अंडर कॉमन सर्विस प्रोवाइडर स्कीम ऑफ द एक्सपोर्ट कैपिटल गुड्स स्कीम। ओके, तो यहाँ पे कॉमन सर्विस प्रोवाइडर की जो स्कीम थी बेनिफिट लेते थे। ठीक है, जो जो स्कीम ईपीसीजी में आती थी, तो इसमें ये इस एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए यहाँ पे ईपीसीजी का बेनिफिट ले सकते हैं कॉमन सर्विस प्रोवाइडेड सर्विस के अंदर। ठीक है, तो सिंपल से बात कहने की ये है कि जो स्कीम थी आपकी प्राइम मिनिस्टर मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन, इसके अंदर जो गवर्नमेंट ने स्कीम दी थी उसके अंदर एक एडिशनल स्कीम ऐड कर दी जो कि ईपीसीजी का बेनिफिट ले सकता है एज ए कॉमन सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, इसके बाद में गवर्नमेंट ने आगे जो स्टेप लिया वो है डेयरी सेक्टर टू बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द मेंटेनिंग एवरेज एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन टू सपोर्ट डेयरी सेक्टर टू अपग्रेड द टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो डेयरी सेक्टर जो है उसको एग्जेम्प्टेड किया गया है कि आपको एवरेज एप्लीकेशन पूरा नहीं करना है। ठीक है, उनको माफ ही कर दिया, मतलब कि जो एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन फुलफिल करना होता है, जैसे एक्सपोर्ट आप जब आप ड्यूटी फ्री के लिए ईपीसीजी का लाइसेंस लेते हो, तो एक तो आपको एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन फुलफिल करना है जो कि लाइसेंस के अगेंस्ट है, और एक एवरेज भी आपको करना है। ऐसा नहीं कि सारा एक्सपोर्ट आप लाइसेंस का ही करो, एवरेज भी करना है, साथ में आपको लाइसेंस का भी करना है। तो जो एवरेज वाला था वो डेयरी सेक्टर के लिए एग्जेम्प्टेड कर दिया गया। इसके अलावा जो बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, ठीक है, बैटरी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, ऑल टाइप ऑफ वर्टिकल फॉर्मिंग एलिमेंट्स, वाटर स्टोन ट्रांसपोर्ट रिसाइकलिंग, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम एंड रेनफॉल वाटर फिल्टर एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी आर एडेड टू द ग्रीन टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट विल बी नाउ एलिजिबल टू रिड्यूस द एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन रिक्वायरमेंट अंडर ईपीसीजी। ठीक है, जो इतनी सारी जो ये फील्ड है वर्किंग के इंडस्ट्रीज है, जैसे बैटरी का हो गया, ठीक है, ऑल काइंड ऑफ बैटरीज हो गई, वर्टिकल फार्मिंग इक्विपमेंट हो गया, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट हो गया, रिसाइकलिंग हो गया वाटर का, इसके अंदर जो भी मशीनें लगती है वो बाहर से इंपोर्ट कर सकते हो एज ए ईपीसीजी में। ठीक है, और रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, रेन वाटर फॉर वाटर फिल्टर्स, ग्रीन हाइड्रोजन, ठीक है, इन सबको किस में डाल दिया है, ग्रीन टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट में। तो ग्रीन टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट कौन होते हैं, जिसमें इन्वायरमेंट की हेल्प होती है। तो गवर्नमेंट ये कहती है कि अगर ये सारे जो फर्क है, जैसे आप करोगे वर्टिकल फार्मिंग या ब्लैक बैटरी इक्विपमेंट, ऐसे भी तो नेचर जो पोल्यूशन है वो रुकेगा, बैटरी व्हीकल जो आ रहे हैं आपके आजकल ई रिक्शा, तो इन सबको जो पोल्यूशन को कम करने में हेल्प कर रहे थे, ठीक है, इन सबको किस में डालिए, ग्रीन टेक्नोलॉजी में, मतलब कि ये यूजर फ्रेंडली ऑफ द इन्वायरमेंट। तो इन सब में क्या कर गया, जब ग्रीन टेक्नोलॉजी में आ गए तो इनमें नाउ विल बी रिड्यूस द एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन रिक्वायरमेंट। तो इसमें जो ईपीसीजी का जो एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन का जो ऑब्लिगेशन था वो इसको रिड्यूस कर दिया गया, क्योंकि ग्रीन टेक्नोलॉजी क्या करती है, ह्यूमंस के लिए सर्वाइवल फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। तो उसके अंदर फिर जो भी ऐसी फैसिलिटी हो जो कि सबके हित के लिए हो, सबके बेनिफिट के लिए हो, तो उस केस में गवर्नमेंट जो कंडीशंस होती है वो कम कर देती है। तो यहाँ पे ईपीसीजी की बात की जा रही है कि ईपीसीजी में उस स्कीम के अंदर ये बेनिफिट दिया गया है। नेक्स्ट, एडवांस अथोराइजेशन स्कीम एक्सटेंडेड टू द एक्सपोर्ट ऑफ अपरेल एंड क्लोथिंग सेक्टर अंडर पैराग्राफ 4.07 ऑफ द
handbook procedures on self-declaration base to be facilitated, promote execution of the export order, norm would be fixed within the टाइम फ्रेम। ठीक है, तो यहाँ पे जो एडवांस ऑथोराइजेशन स्कीम थी उसको एक्सटेंड किया गया है। ठीक है, स्पेशल एडवांस ऑथोराइजेशन स्कीम थी उसको एक्सटेंड किया गया है अपेरल और क्लोथिंग सेक्टर के लिए। ठीक है, तो ये बेनिफिट इनको मिलेगा जिसके अंदर जो सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस फैसिलिटी में ही ये अपना ऑर्डर जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, जो नॉर्म्स है वो फिक्स होगी टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। उसके बाद बेनिफिट ऑफ द सेल्फ रेक्टिफिकेशन स्कीम ऑफ फॉर द टैक्सेशन ऑफ इनपुट आउटपुट नॉर्म्स एक्सटेंडेड टू स्टार एंड अदर एबव स्टार होल्डर विल बी एडिशनल ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर एट प्रेजेंट। ठीक है, जो भी 2 स्टार से ज्यादा वाले हैं उनको उनको एडिशनल ऑथराइजेशन, जो एईओ ऑथराइज होल्डर थे उनके अंदर इसको जो बेनिफिट इनको मिलते थे एईओ को उनको भी मिलेंगे वो। इसके अलावा फ्रूट एंड वेजिटेबल एक्सपोर्टर आर बीइंग इंक्लूडेड फॉर डबल वेटेज फॉर द काउंटिंग एक्सपोर्ट परमिशन अंडर एलिजिबल क्राइटेरिया ऑफ द एक्सपोर्ट हाउस सर्टिफिकेशन। ओके, इसमें डबल वेटेज की फैसिलिटी इनको दे दी गई है अगर ये एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस के अंदर जो क्राइटेरिया सिलेक्ट किया उसके अंदर आते हैं। तो दिस इज एन एडिशनल एग्जिस्टिंग एमएसएमई सेक्टर हु ऑल्सो गेट द डबल वेटेज। ओके, तो इस सेशन में हमने समझने की कोशिश की है कि गवर्नमेंट ने ईपीसीजी और एडवांस लाइसेंस को भी इनके जो क्राइटेरिया जो कंडीशंस थी उसमें और सेक्टर को भी लिया है और इनके एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन कम करने की कोशिश की है ताकि एक्सपोर्टर को ज़्यादा से ज़्यादा ड्यूटी फ्री का बेनिफिट मिले और वो अपने प्रोडक्ट को इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट कर पाए कम प्राइस में। सो गाइस, आज के सेशन को हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द सेशन। हैव ए नाइस डे।